हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैम्स के भी नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो इस कंपनी के अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें दोस्तों मेरे भाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को ओवरऑल 5.55% की यहाँ पे गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड वहीं पर अगर हम लोग इसके चार्ट को अगर देखें तो यहाँ पर इस पोजिशन पर अगर हम लोग बातें करें तो ये कंपनी करीब 7 से 8% यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा माल यहां पे बेचा गया है, जो कि हम कह सकते हैं कि कंपनी के करीब 3 से 4% के शेयर स्टेक से रिलेटेड हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। तो एग्जैक्टली यहां पे न्यूज क्या है, चलिए उसी के ऊपर चलते हैं। सो दोस्तों, अभी सीधा यहाँ पे हम लोग न्यूज़ के ऊपर आ गए हैं। सो यहाँ पे देखिए वही चीज़ें जो अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है इस कंपनी से रिलेटेड, तो वही चीज़ें बताई गई। तो यहाँ पे हम लोग सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 9:15 की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो इस कंपनी में 1.56 मिलियंस इक्विटी शेयर्स, जो कि लगभग इस कंपनी के कैम्प्स की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो 3.18% स्टेक के बराबर हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, जिसको यहाँ पे सेल किया गया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि चेंज हैंड ऑन द BSE, मतलब यहाँ पे सेल किया गया है। सेल यहाँ पे किया गया तो आप देख सकते हैं कि बायर के भी यहाँ पे नाम, बायर के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, मतलब यहाँ पे सेलिंग तो हुई है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे उसको बाई भी किया गया है, जिसके नाम अभी यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि आगे चल के हम लोगों को यहाँ पे मालूम चल जाएगा। सो इसी वजह से इतनी बड़ी सेलिंग के बाद, जो कि आप देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी के अगर यहाँ पे 3.818% स्टेक को अगर यहाँ पे बेचा जाए तो जाहिर सी बात है वहाँ पे गिरावट होना लाजमी है, जो कि आज इस कंपनी में करीब 7% के गिरावट के तौर पे हम लोगों को देखने को मिल गया है। लेकिन दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि क्या हम लोगों को इस कंपनी को इस टाइम पे सेल कर देना चाहिए। सो इसी से रिलेटेड हम लोग आगे अभी बातें करने वाले हैं। सो दोस्तों, वापस से हम अपने कंपनी के चार्ट के ऊपर आ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 6 मंथ के डाटा को ओपन किया हुआ है एंड इस लेवल पे अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो आप देखिए 3960 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है एंड प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसकी अगर हम लोग बातें करें तो 2738 रुपये यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। डीमैट अकाउंट एंड गूगल में थोड़ा सा अगर फर्क रहता है तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सो इस पॉइंट से यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें दोस्तों एंड प्रेजेंट टाइम में जो इसका शेयर प्राइस उसको अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मली अगर सीधी भाषा में समझे तो यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की गिरावट की अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे हमको करीब करीब 30% से भी ज़्यादा की गिरावट हम लोगों को इस कंपनी में देखने को मिल जा रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो भी इनके शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों उनके लिए ये एक चिंता की बात हो रही है, क्योंकि कंपनी 1 सितंबर से लगातार यहाँ पे हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि लगभग 3 से 4 मंथ का डाटा यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि टाइम यहाँ पर हो गया है। सो क्या इस कंपनी को बेच देना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कंपनी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। ये जो गिरावट हो रही है दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम चार्ट की बातें करें तो आप देखिए ये कंपनी अभी हाल ही में आई है, 2020 अक्टूबर में यहाँ पे देखने को मिल रही है एंड 178% की यहाँ पे उसके बाद से इसमें एक तगड़ी जंप हम लोगों को देखने को मिली, जिसके बाद से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो फेज था दोस्तों वो हम कह सकते हैं कि कंपनी में इतनी जो रैली आई थी इस पोजिशन पर अगर यहाँ पर हम लोग बातें करें तो उसके बाद से एक छोटा सा जो प्रॉफिट बुकिंग होता है वो चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है एंड आज की जो गिरावट है वो तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा माल यहां पे बेचा गया, उसकी वजह से मार्केट ने प्रेशर में आकर के इसमें थोड़ा सा और यहां पे सेलिंग दिखा दिया है, तो इस वजह से यहां पे गिरावट हो रही है। लेकिन अगर हम लोग इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बातें करें तो लगातार इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही चल रहा है एंड लगातार ये कंपनी हम लोगों को ग्रोइंग मोड में देखने को मिल जा रही है। सो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को बाई ऑन डिप्स करके ऐड करने का बहुत ही सुंदर सुनहरा मौका आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। कंपनी काफी अच्छे गिरावट में आप लोगों को मिल रही है, काफी सस्ते दाम में मिल रही है, तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करके चल सकते हैं। कंपनी आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न्स आप लोगों को यहां पे दे सकती है। सो बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है, तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को ऐड करके यहां पे चल सकते हैं। सो दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट थी, जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।